नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के सामने ऐन मौके पर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने 5 अक्टूबर को बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम में जो बयान दिया वो आपके गले की फांस बन गया। इस कार्यक्रम में अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को राजेंद्र पाल गौतम ने बाकी लोगों के साथ मंच से दोहराया। इनमें एक प्रतिज्ञा हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने से जुड़ी थी। बीजेपी को लगे हाथ ये मुद्दा मिल गया। उसने केजरीवाल के मंत्री पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा दिया। ऐसे में विपक्ष से इस्तीफे की मांग तेज हुई तो रविवार को यानी कि आज कुछ घंटों पहले राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा। माना जा रहा है कि अपने ही मंत्री के इस बयान से अरविंद केजरीवाल का गुजरात का जो अभियान था वो भी प्रभावित हो रहा था। अरविंद केजरीवाल को गुजरात दौरे में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी उनको सामना करना पड़ा। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में केजरीवाल विरोधी पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया गया। पोस्टरों में केजरीवाल को मुस्लिम टोपी पहने हुए भी दिखाया गया। ऐसे में कई जगह पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर भी फाड़े और ऐसा करने के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए भी कुछ जगहों पर नजर आए। गुजरात चुनाव के ऐन पहले ये सब केजरीवाल सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत से कम नहीं रहा। नतीजा रविवार शाम मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे की शक्ल में सामने आया। राजेंद्र पाल गौतम ने बयान जारी कर कहा था कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, सभी देवी देवताओं का सम्मान करता हूँ, मैंने किसी की आस्था के प्रति कोई भी शब्द नहीं बोला, मैं सबकी आस्था की इज्जत करता हूँ, जिनको बीजेपी के दुष्प्रचार के कारण पीड़ा हुई उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आपको सुनवाते हैं राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा। बौद्ध धम्म दीक्षा का आयोजन हुआ था, वो आयोजन दीक्षा दिवस पर पूरे देश में हजारों जगह पर होता है और उसमें करोड़ों लोग उसमें शामिल होते हैं। हमारे करोड़ों लोग ये दीक्षा, बौद्ध धम्म की दीक्षा लेते वक्त उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार, मोदी जी की खुद सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया है और उन्होंने ही नागपुर की दीक्षा भूमि में शिलापट पर वो सारी 22 प्रतिज्ञाएं लिखवा के लगवाई हुई हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम खुद जुड़ गए हैं। राजेंद्र पाल जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या जो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, क्या आप उन आरोपों पर आपकी क्या सफाई है? देखिए, बीजेपी की गुजरात के अंदर जमीन खिसक रही है, पूरे देश के अंदर गुजरात से लोग खफा हैं, बीजेपी से लोग खफा हैं। बीजेपी ने काला धन वापस लाने की बात की थी, वापस नहीं आया, डेढ़ गुना बढ़ गया। बीजेपी ने महंगाई करने की बात की थी, कम करने की बात की थी, वो कम नहीं हुई। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, वो नहीं कर पाए। बीजेपी अपना एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई और पूरे देश को संकट में डाल दिया, आर्थिक स्थिति देश की बिल्कुल तबाह कर दी है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के लोगों की हत्या करने वाले लोगों को समय से पहले बीजेपी की सरकार ने छोड़ दिया। और छोड़ना तो अलग बात है, उन हत्यारों को जिनको कोर्ट ने सजा दी उनको मिठाई खिला के माला पहना के स्वागत करना, उसको वीडियो चलाना, हम किस तरफ ले जा रहे हैं पूरे भारत को, इससे दिल दुख रहा है। मूंछ रखने पे हमारे भाइयों की हत्या हो रही है, मंदिर में जाते तो हत्या हो रही है, मूर्ति छू लेते तो हत्या हो रही है, घड़े पानी के घड़े से हाथ लगा देते तो हत्या हो रही है, बहन बेटे की इज्जत लूट के सामूहिक बलात्कार करके उनको फांसी पे लटकाया जा रहा है। और उस पे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, देश के गृहमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, देश के बड़े नेता चुप्पी साथ लेते हैं। इससे मेरा मन इतना ज्यादा दुखी है। आप पर आरोप लगाया कि हिंदी देवी देवताओं का आपने अपमान किया है, उस पर आपका क्या कहना है? मैंने कोई अपमान नहीं किया। आप मेरा 2.5 घंटे का वो प्रोग्राम का लाइव चला, उसको पढ़ ली, देख लीजिए आप। एक भी कोई मैं सबके धर्म की आस्था की इज्जत करता हूँ, मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं तथागत बुद्ध को मानता हूँ, कोई लोग इस्लाम को मानते हैं, कुछ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, कुछ हिंदू, सबकी अपनी आज़ादी है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक फेथ की जो आज़ादी, वो तो भारत का संविधान का फंडामेंटल राइट है। तो राजेंद्र जी, फिर तो सवाल मेरी आज़ादी है, मैं किसको मानूं किसको ना मानूं। जी, फिर सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अगर आपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया, आप खुद ये बात कह रहे हैं, तो फिर आपने इस्तीफा आखिर क्यों दिया है? मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई बोलता नहीं है, कोई पार्टी नहीं बोलती, देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री चुप्पी साध लेते हैं और ऊपर से उसी छुआछूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत बनाने का
संकल्प लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और वो हर साल हजारों जगह पर करोड़ों लोग दीक्षा लेते हैं और यही 22 प्रतिज्ञा दोहराते हैं, उसी को भारत सरकार ने भी छपवाया है। और उस दीक्षा को दोहराने पर जिस तरह, जबकि आम आदमी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है, मिशन जय भीम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आयोजन किया है, आम आदमी पार्टी को पता भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी को पता भी नहीं है, उनको जिस तरह इसमें घसीटा जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई पूरे गुजरात के अंदर उस तरह के पोस्टर लगा के। उन्होंने क्या किया, वो भी तो उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को बड़े बड़े बैनर पे पोस्टर पे लगा के पूरे गुजरात में छाप रहे हैं, तो वो अपमानित कर रहे हैं मेरी पार्टी को, मेरी पार्टी से, देश के लोगों को उम्मीद जगी है, आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से उम्मीद जगी है, सबको सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन मिले, सबको सरकारी खर्चे पर क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, बुजुर्गों को सम्मान मिले, और जो सामाजिक विकास की योजनाएं जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर दिल्ली के युवाओं के सपने साकार करने के लिए उनको सिविल सर्विसेज की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग सरकारी खर्चे पर देने की शुरुआत की अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्होंने सीवर सफाई के लिए लगभग 200 परिवारों को उस मशीनों का मालिक बनाया, सीवर में उतरने पे पूरी पाबंदी लगाई, उन्होंने एक सम्मान का जीवन दिया, एंटरप्रेन्योर बनाया, दुष्प्रचार कर रही थी आपके खिलाफ, और ऐसे में मेरे नेता को बदनाम करना, मेरी पार्टी को बदनाम करना, ये जो बीजेपी की कुंठा है, इससे मैं बड़ा व्यथित और दुखी हूँ कि उन्होंने वही प्रतिज्ञा, तुम भी तो छाप रहे हो पूरे गुजरात में, तुम भी तो लोगों की भावना से खेल रहे हो। मैंने तो भावना से नहीं खेला, मेरा 2.5 घंटे का पूरा वीडियो चेक कर लीजिए, इससे दुखी होकर मैंने इस्तीफा दिया है कि मैं, मुझे इस बात से, का दुख इस बात से तो सभी सहमत है राजेंद्र जी की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल राजेंद्र जी, यहाँ पर ये मैं जानना चाह रही हूँ कि इस बात से तो सभी सहमत हैं कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने जिन प्रतिज्ञाओं की बात की, आप तो जो उनके अनुयायी हैं वो उसका अनुसरण कर सकते हैं, अगर आपने उन्हीं प्रतिज्ञाओं को दोहराया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो फिर ऐसे में ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि पार्टी आपके साथ खड़ी होती यहाँ पर और ये इस्तीफा ना होता? देखिए, पार्टी पूरे देश में एक उम्मीद की किरण के तौर पर उभरी है, अरविंद केजरीवाल आने वाले बच्चों का भविष्य हैं, वो जिस तरह एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे में एक कसमकस पैदा हुआ, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके का लांछन लगाया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर, उससे पार्टी के कार्यकर्ता भी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ कि ये इस तरह की घटिया राजनीति पर उतर के और धर्म का को आप हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लोगों के होने वाली हत्याओं पे एक शब्द नहीं बोलते हैं जी, तो मैं खुद दुखी हूँ, इसी वजह से मैंने इस्तीफा दिया, और आम आदमी पार्टी के हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे लोग मेरे साथ हैं और हम इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। मैंने संकल्प किया है कि मैं अब कोर्ट के अंदर एक वकील के तौर पर और एक विधायक के तौर पर दिल्ली की विधानसभा में और दिल्ली के और पूरे देश के अंदर समाज के ऊपर होने वाले जुल्म जाति के खिलाफ बेहद मजबूती से लड़ूंगा। ये लोग फोन पे धमकी दे रहे हैं मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे को जानमाल का नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, मेरे लोगों की हत्या करने की धमकी दे रहे हैं, ये लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ इतना इन्होंने जहर उगला है, तो मैं इससे आहत हूँ कि पूरे भारत के देश के साथ, हमारे देश के साथ खतरा पैदा कर रहे हैं ये, जाति और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा कर रहे हैं, मुस्लिमों को डरा रहे हैं, दलितों को डरा रहे हैं, आदिवासियों को डरा रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को डरा रहे हैं, हम डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग मरने से नहीं डरते, हम न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे, बेहद मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि आप न्याय की लड़ाई को इसको आगे लेकर जाएंगे, लेकिन इस तरह की बातें भी कही जा रही, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं राजेंद्र जी कि आप पर अपनी ही पार्टी के अंदर भी दबाव था, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे पार्टी के लोग न्याय पसंद हैं, वो लोग, मुझे लगता है कि मेरे पार्टी जैसी पार्टी शायद ही कोई होगी जो न्याय की बात कर रही है, जो गरीब आदमी की बात कर रही है, जो रोजगार की बात कर रही है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रही है, तो मेरी पार्टी के लोग भी मेरे साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये आरोप निराधार है। क्या आपने इस्तीफा देने के बाद आपकी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बातचीत हो पाई है आपकी? अभी नहीं हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहाँ सभाओं में व्यस्त हैं जी, वो फ्री होंगे तो बात करेंगे जी। मेरे सहयोगी शरद शर्मा भी मेरे साथ हैं राजेंद्र जी, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं जी। शरद जी, जी राजेंद्र जी, सब लोग यही जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ एक कश्मकश थी कि पार्टी किसके साथ खड़े हो, अगर आपके साथ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी हिंदू तो नहीं हो रही है, और अगर दूसरी तरफ चले जाएं तो फिर जो है गुजरात में नुकसान हो सकता है, या गुजरात चुनाव की वजह से ही आपको ये कदम उठाना पड़ा है, या पार्टी ने कहा आपको कि आप रिजाइन कर दीजिए ठीक रहेगा? मैंने ये कदम इसलिए उठाया है, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, जाति छोड़ो समाज जोड़ो,
व्यक्ति से नहीं विचारधारा से जुड़ो, ये मिशन जय भीम का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को आग में झोंक रही है। भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़े आदिवासी मुस्लिमों का कत्ल कर रही है, देशद्रोही है, दंगा फैला रहे हैं और धार्मिक उन्माद कर रहे हैं। किस किस तरह के इनके लोग भाषण देते हैं आप देखिए। तो मैं उससे आहत हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, किसी भी हालत में देश को बचाना है। देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, राजेंद्र गौतम नहीं हो सकता, अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकते। देश बड़ा है, देश के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। ये लोग जो लांछन लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे, झूठे लांछन है। ये लोग सही मायने में देशद्रोही है, ये लोगों की आस्था से खेल रहे हैं। ये लोग भी तो उन्हीं प्रतिज्ञाओं को बड़े बड़े होनर बैनर होर्डिंग लगाकर पूरे गुजरात में पूरे देश में छाप रहे हैं ना। इन्होंने तो उन 22 प्रतिज्ञाओं को पूरी दुनिया को सुनवा दिया और यही तो छाप रहे हैं। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री जी ने वॉल्यूम 17 में डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड स्पीच एंड डॉक्टर अम्बेडकर स्पीच एंड राइटिंग्स के अंदर छापा है वॉल्यूम 17 में। इन्होंने शिलालेख पर पूरा लिखवा के वो नागपुर की दीक्षा भूमि में लगाया। कैसे लोग हैं, दोगले चरित्र के लोग हैं ये। बेसिकली अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से ये लोग डर गए, क्योंकि गुजरात में हार रहे हैं और पूरे देश में हारने वाले हैं। आने वाले हर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हारेगी, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। रंजीत, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये जो आपने प्रतिज्ञा ली थी, ये 22 वही प्रतिज्ञा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दिलवाई थी। और पूरे देश में जो है, या जहां भी दुनिया में अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो इन प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि इसी वर्ष 5 अक्टूबर को नितिन गडकरी नागपुर में थे, दीक्षा भूमि पर उन्होंने वहां पर शिरकत की, वो गेस्ट बनकर वहां पर गए थे, जहां पर आपने जिस तरह का प्रोग्राम किया उससे सबसे बड़ा प्रोग्राम जो देश में होता है वो नागपुर में होता है, वो वहां नितिन गडकरी थे। लेकिन एक मंत्री के तौर पर, एक चुने हुए नेता के तौर पर, जो लाइन कोई नेता बोलता है वो ये होती है कि मैं सभी धर्मों में आस्था रखता हूं, सभी में विश्वास रखता हूं। तो ऐसे में जब आप ये कहेंगे, बेशक वो अंबेडकर जी की प्रतिज्ञा है, अगर आप ये कहेंगे कि मैं नहीं मानता हूं, तो ये एकदम उलट नहीं हो जाता है उसके जो सेकुलरवाद की हम बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं? धर्मनिरपेक्ष में नकारना नहीं होता है, धर्मनिरपेक्ष में ये होता है ठीक है मैं अपना धर्म मान रहा हूं, आप अपना धर्म मानिए, नकारने की बात नहीं होती है। तो ये लोगों के मन में जरूर सवाल उठ रहा है, इसका जवाब मैं चाहूंगा आपसे। सरजी, मैं सभी की आस्था की इज्जत करता हूं, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, और भारत एक विविधताओं का देश है जिसमें हजारों जातियां और अनेकों धर्म है। हर 50 किलोमीटर पर तो यहाँ संस्कृति बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें भारत को मजबूत करना है, हमें देश को वही गौरवशाली विरासत जो बुद्ध के धम्म की विरासत भारत से गई पूरी दुनिया ने स्वीकार की है, बुद्ध के धम्म से शांति और मानवता का संदेश पूरी दुनिया में गया है, उसको फैलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम कोई नफरत की बात नहीं करते जी। एक मंत्री से पहले मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, व्यक्तिगत तौर पर एक अम्बेडकरवादी होने के नाते मैं बचपन से इस तरह के आयोजन में शामिल होता आया हूँ। मुझे लगता है कि इसको बीजेपी को एक गंदी राजनीति के लिए बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है जी। ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है, देश बचाने की बात करनी चाहिए जी। आप अनुसूचित जाति से आते हैं, पीड़ितों के साथ खड़े रहे हैं आप, क्या इस मौके पर आपको नहीं लगता कि आप भी बेवजह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से पीड़ित हो गए, उसका शिकार आप हो गए, और आपकी पार्टी को ऐसे समय में आपके साथ खड़े होना चाहिए था इस्तीफे की बजाय? मुझे लगता है जब पूरे देश से और दुनिया से मुझे फोन आ रहे हैं, कई देशों से मुझे फोन आ गए, कई देशों के लोग जो इंडिया आए हुए हैं इस धम के आयोजन के लिए वो मेरे घर पे आ गए, सारे पार्टियों के लोगों के फोन आ रहे हैं, पूरे देश से दलित पिछड़े आदिवासियों के माइनॉरिटीज के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप न्याय की लड़ाई को लड़ो, हम आपके साथ हैं, सब लोग साथ हैं, क्योंकि भारत सबसे महत्वपूर्ण है, देश बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। हम सबकी आस्था की हमें इज्जत करनी चाहिए, हम करते हैं, इसलिए नहीं करते कि हमें भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट करना है, इसलिए करते हैं क्योंकि हम मन से सभी धर्मों की आस्था की इज्जत करते हैं जी। शरद जी, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूं कि जो नकारने की बात है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानता, वो जो नहीं है, आपको लगता समस्या उससे हुई? भले ही वो अंबेडकर जी की बातें हैं, लेकिन समस्या उससे हुई है, आप उसको मैं मानता हूं नकार नहीं सकते हो इस बात को कि जो उन्होंने कहा, लेकिन खामियां था उसका भुगतना पड़ा आपको? नहीं, 14 अक्टूबर 1956 से ये 22 प्रतिज्ञाएं सभी लोग जो दीक्षा समारोह में शामिल होते हैं वो दोहराते हैं, और उसी तरह एक बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते व्यक्तिगत तौर पे मैं उसमें शामिल हुआ हूँ, और उसी तरह वो 22 प्रतिज्ञाएं मैंने भी दोहराई हैं।
लेकिन उन 22 प्रतिज्ञाओं को 22 को पूरा पढ़िए ना, उसमें तो मानवता की बात है, उसमें तो किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की बात है, उसमें तो हिंसा से दूर रहने की, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, सबका सम्मान करना, प्राणी मात्र की रक्षा करना, सबके हक अधिकार की, इज्जत की रक्षा करना, उसमें सारी 22 प्रतिज्ञाओं को इन टोटल पढ़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक दो 22 प्रतिज्ञाओं में से एक दो को लेके केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और अरविंद केजरीवाल जी और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिससे मैं आहत हुआ हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। क्योंकि मेरे समाज के ऊपर होने वाले जुर्म जाति की लड़ाई को इसको लड़ना होगा। कोई भी पार्टी नहीं बोलती, देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते, गृहमंत्री नहीं बोलते, सारे बड़े नेता चुप्पी साध लेते हैं, इस लड़ाई को तो लड़ना पड़ेगा ना। जी राजेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि अब मैं स्वच्छंदता से इस लड़ाई को ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाऊंगा। जी ठीक है राजेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा अपने इस्तीफे को लेकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। हमारे साथ यहाँ पर दो और मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं शरद। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज मिश्र, और हमारे साथ यहाँ पर एक और मेहमान जुड़ रहे हैं अशोक भारती जी हैं, चेयरमैन हैं NACDOR के। मनोज जी, एक सवाल यहाँ पर आपसे मैं लूंगी। हम यहाँ पर मनोज जी, जिस तरह से ये इस्तीफा हुआ राजेंद्र जी का, वो तमाम बातें कह रहे हैं, उन्हें पीड़ा हुई वो ये बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं इस लड़ाई को मैं आगे लेकर जाऊंगा और लड़ूंगा, लेकिन अपनी पार्टी पर मैं आँच नहीं आने देना चाहता था, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। लेकिन ये जो राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हुआ, इससे ये संकेत नहीं जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अनुसूचित जाति से अपने ही एक मंत्री के बचाव में खड़े नहीं हुए? निश्चित रूप से यही खतरा है। असल में मुझे ये लग रहा है कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो दीक्षा के दौरान जो बातें कही हैं, या तो कहना नहीं चाहिए था, उसमें शामिल नहीं होना था, अगर शामिल होना था तो उसको आखिर तक उसके के लिए जूझना। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं मंत्री से हटने के बाद भी एज ए MLA एज ए वकील इस लड़ाई को आगे जारी रखूंगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पार्टी के बड़े नेताओं को ये लगा होगा कि ये मुद्दा न बन जाए, इसलिए उन पर ये दबाव डाला गया होगा कि वो इस्तीफा देंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि उनके इस्तीफा देने के बाद भी ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से दो दिन इसको हाइक पर ले जाया गया भाजपा के लोगों ने जी। उससे और मुझे लग रहा है कि कोई रिस्क भाजपा के लोग गुजरात चुनाव में लेना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों के लगातार गुजरात दौरा करने, वहां सभाएं करने, जनसंपर्क करने से एक वहां माहौल बना है कि इस बार आम आदमी पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को ये लगा होगा कि उस अभियान में जी। उन्हें बाकी दलों की तरह कहीं हिंदू विरोधी या इस तरह करके न लाया जाए। मुझे लग रहा है इससे एक वर्ग को नुकसान हुआ है और ये मुद्दा यूं खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, अभी ये चुनाव तक इसको भाजपा के लोग, जैसे आज आपने देखा होगा कि जैसे इनका इस्तीफा हुआ उसके बाद भी भाजपा के लोगों के बयान आने लगे जी। मुझे लग रहा है ये तो ये अभी मामला यहाँ खत्म नहीं होने वाला है, और राजेंद्र जी भी कह रहे हैं कि वो भी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। शरद भी हमारे साथ बने रहेंगे, अशोक भारती जी की भी प्रतिक्रिया मैं लूंगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ अशोक भारती जी हैं, हमारे साथ मनोज मिश्र हैं, और हमारे सहयोगी शरद शर्मा भी बने हुए हैं, और हम आम आदमी पार्टी में फिलहाल जो कुछ हुआ उस पर चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से मंत्री राजेंद्र गौतम जो हैं, उनकी पहले एक दीक्षा समारोह हुआ, उसमें उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली अम्बेडकर का अनुसरण करते हुए, और उसके बाद उसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने वाली जो प्रतिज्ञा थी उस पर बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए और आम आदमी पार्टी मुश्किलों में आ गई। अरविंद केजरीवाल को गुजरात में विरोध प्रदर्शन तक झेलना पड़ा। अशोक भारती जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, ये जो अनुसरण जब करते हैं जो लोग, जो अनुयायी होते हैं, ये बहुत ही आम बात है और ये सालों से होता चला आ रहा है, ये आप और हम सब देखते हैं। आप जब इसमें राजनीति होती हुई देख रहे हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि कुछ नया तो हुआ नहीं था इसमें? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, और पूरे देश में, अभी मैं नागपुर होकर आया हूँ, वहां भी सब कार्यक्रम हुए हैं और कहते हैं, पर मेरी समझ ऐसी है कि जब एक व्यक्ति किसी ओहदे पर होता है तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसको संविधान की भावनाओं का पालन करना है। वो एक ओहदेदार है,
और दो तीन बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि रखना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद राजेंद्र जी अपनी जो नजदीक के लोग हैं उनके उपवे में आकर उन्होंने जो शॉर्ट टर्म गेन के शॉर्ट टर्म पॉलिटी के लिए समाज के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं उनको दरकिनार कर दिया। वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, वो लगता है भावना में बह गए। दूसरी बात यह कि अगर इतना प्रोग्राम था तो एक मंत्री के नाते उनको राज्य के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को उस कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, शायद उन्होंने नहीं किया। और इतने बड़े प्रोग्राम में जब आप अकेले जाते हैं और जब इस तरह की कंट्रोवर्सी हो जाती है तो आपके पास रिजाइन देने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। तीसरी बात यह भी है कि हम ये समझना है कि पिछले कुछ समय से राजेंद्र पाल गौतम को लेकर, जो मंत्री जी को लेकर दिल्ली में जिस तरह फीवर डेथ हुई है, उससे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तमाम लोगों को जो उनका जो बहुत बढ़िया प्रोग्राम राजेंद्र पाल गौतम जी ने तैयार किया था जिसके तहत दिल्ली को सीवर मैकेनाइजेशन के जरिए सीवर को साफ करने की बात थी, उसके बावजूद जब सीवर डेथ हो रही थी तो उसको लेकर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजेंद्र पाल गौतम जी एक षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं और इस षड्यंत्र में मुझे लगता है कि उनकी अपनी पार्टी के अपने लोग भी इसमें शामिल हैं। भाजपा तो केवल एक बहाना मात्र है, असल में तो मुझे लगता है कि राजेंद्र पाल गौतम जी शायद आम आदमी पार्टी की जो सीमाएं थी उनको लांघ गए थे और उस सीमाओं को लांघने के वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिवाली का कार्यक्रम करती है, वो दशहरे का कार्यक्रम करती है, वो छठ का कार्यक्रम करती है, पूरे हिंदूवादी चरित्र के साथ वो जीती है। बिल्कुल, कैसे बर्दाश्त करेंगे उन देवी देवताओं की आलोचना कैसे बर्दाश्त करेंगे जी। तो अगर उनको ये मुझे लगता है कि एक मंत्री होने के नाते उनको अपने आप को बचाना चाहिए। शरद, यहाँ पर गुजरात दौरे में जो कुछ हुआ राजेंद्र गौतम के बयान के बाद, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को विरोध भी झेलना पड़ा, उन्हें एंटी हिंदू तक बोला गया, क्या ये इस्तीफा कहीं ये जो डैमेज हुआ इस डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो नहीं है? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो कुछ था ये गुजरात की वजह से था, ये चुनाव की वजह से था, ये राजनीति की वजह से था, वरना जब हम सब जानते हैं, हम सब इस बात पे सहमत हैं कि वो कुछ अलग नहीं कर रहे थे, कुछ नया नहीं कर रहे थे, वो वही कर रहे थे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी और सालों से पूरे देश में लोग करते आ रहे हैं। और यहां तक कि मैंने कहा, जैसे अशोक जी अभी बता रहे हैं जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वहां पर नितिन गडकरी भी गए थे, तो कुछ इन्होंने नया नहीं करा, कुछ गलत नहीं किया। लेकिन बात यहां पर यही उठती है कि कोई मंत्री जो है उसको एक लाइन ये रखनी होती है, या कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है उसको ये रखना होता है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, अपने धर्म में भी सम्मान करता हूँ और दूसरे धर्म का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन जो वीडियो आया, जो शपथ हुई, उसमें ये कहा जा रहा था कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता। तो जब इस तरह का वीडियो घूमेगा तो फिर जाहिर सी बात है जो सेंटिमेंट है वो भड़क सकते हैं। और ये भी सही बात है कि आज के समय में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो देश के बहुसंख्यक समाज को हिंदू समाज के विरोध में खड़ी हुई दिखाई दे, तो इसलिए जो है दोनों को ही फैसला करना था, आम आदमी पार्टी को भी फैसला करना था, राजेंद्र पाल गौतम को भी फैसला करना था। तो ये फैसला हुआ कि राजेंद्र पाल गौतम ने खुद ही जो है इस्तीफा दिया और पार्टी और अपने नेता को जो है उन्होंने एक तरह से डिफेंड ही किया कि मैं उनके लिए जो है ये इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन हमें इसके आगे अब ये देखना पड़ेगा कि राजेंद्र पाल गौतम जो है वो ये जो चीज कर रहे थे वो पहले से करते आ रहे थे, वो मंत्री होते हुए भी एक एक्टिविस्ट की तरह से जो है काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक्टिविस्ट के तौर पर अपने आप को ज्यादा उन्होंने आइडेंटिफाई किया और शायद ये नहीं देखा कि वो एक पद पर हैं और कोई भी इसको एक मुद्दा बना सकता है, तो उसी का जो है एक तरह से खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और खासतौर से तब जब बिल्कुल चुनाव सर पे ही हैं, कभी भी गुजरात चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो उस वजह से आम आदमी पार्टी को जो है एक तरह से विरोध का भी सामना करना पड़ा, अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा। और भले ही वो इसका सामना कर रहे थे और जवाब भी दे रहे थे, लेकिन जितना ये वीडियो वायरल होगा बीजेपी सवाल उठाएगी कि कैसे वो मंत्री आपके यहाँ पर है जो ये कह रहा है कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, जबकि
अरविंद केजरीवाल जो हैं हर जगह मंदिर मंदिर जाते फिर रहे हैं, कभी सोमनाथ जा रहे हैं, कभी द्वारका जा रहे हैं, कभी अपने आप को हनुमान भक्त बता रहे हैं, तो कैसे इस कॉन्ट्राडिक्शन को आम आदमी पार्टी कैसे आगे जो है डिफेंड करती? तो इसीलिए जो है राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से जो है इस्तीफा देकर इस पूरे विवाद को शांत करने की कोशिश की है, और आम आदमी पार्टी अब उम्मीद कर रही है कि एक बार फिर से वो जो है इस इस्तीफे के बाद में बीजेपी के खिलाफ फ्रंट फुट पर खड़ी होने की कोशिश करेगी। हालांकि बीजेपी भी इस मुद्दे को आसानी से जाने नहीं देगी, ये भी हमें मान के चलना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है अभी कोशिश करेगी कि इसी मुद्दे पर जो है आम आदमी पार्टी को घेरा जाए। तो ये मुद्दा रहेगा ही, बाकी और मुद्दे आगे आएंगे जो समय के साथ साथ पता चलेंगे। बिल्कुल, और चुनावी नुकसान जो है या चुनावी खतरा जो है वो कोई भी पार्टी इस वक्त मोल नहीं लेना चाहती है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह गुजरात चुनाव के प्रचार के बीच में जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनका इस्तीफा यहां पर हुआ है। मनोज मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये जो बयान राजेंद्र गौतम का आया या ये जो दीक्षा समारोह का वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ, जिस तरह से बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, क्योंकि ना आप हिंदुओं को नाराज कर सकते हैं ना आप अम्बेडकर के अनुयायियों को नाराज कर सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी फंसी हुई तो नजर आ रही थी। निश्चित रूप से अदिति जी, असल में अभी जो शरद कह रहे थे मैं उससे सहमत हूँ कि इस्तीफा देने के बाद भी ये विवाद शांत नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से एक अपनी स्पष्ट नीति जैसा इन सब चीजों को पहले से कभी नहीं लिया है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी एक अलग तरह की विचारधारा की राजनीति करते रहे, उसका लाभ उन्हें मिला, दिल्ली में मिला, पंजाब में मिला, और अब उन्हें लग रहा है कि वहां जैसे बहुत सारे दल हैं, भाजपा के लोगों को माना जाता है कि वो प्रो हिंदू हैं, किसी दल को माना जाता है समाजवादी पार्टी को कि वो प्रो माइनॉरिटी हैं, इस तरह की अपनी कोई छवि इन्होंने बनने नहीं, इन्होंने अपने को आम आदमी से जोड़ेंगे, गरीब और इनकी पार्टी। मुझे लग रहा है पहली बार असहज स्थिति इनकी हो गई राजपाल गौतम के चलते, और जैसा अभी भारती जी भी कह रहे थे या शरद जी भी कह रहे थे कि इनको जाने से पहले वहां सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मंत्री के तौर पर वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करने से पहले कम से कम अपने पार्टी के बड़े लीडरों को ये बातें बतानी चाहिए थी, उनकी सहमति लेनी, साथ लेके जाए ये स्थिति तो अलग है, लेकिन कम से कम हम वहां जो 22 दीक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से उत्तम है, बहुत सारे लोग उसके समर्थक हैं, खुद अम्बेडकर जी ने उसको शुरू कराया, दुनिया में उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, वो उसको पालन करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन आज के जमाने में जिस तरह की राजनीति अभी गुजरात में हो रही है या भाजपा की राजनीति के सामने, ये कहना कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं कर्मकांड का विरोधी हूँ, तो आपको ये सब सुनना ही पड़ेगा और ये झेलना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि ये आगे भी इनके इस्तीफा देने के बाद भी भाजपा के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, पोस्टर लगाएंगे, देखो हमारे चलते ये ऐसा मंत्री बनाया जो ऐसा कर रहा है, और बहुत सारी चीजें अब जुड़ने लगेगी राजेंद्रपाल गौतम जी के साथ कि पहले उन्होंने फलाना किया जी, पहले उन्होंने ढिकाना किया जी। तो मुझे लग रहा है ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए काफी असहज स्थिति हुई थी और इसलिए इनसे इस्तीफा लिया गया, ताकि कम से कम ये होगा कि जिस मंत्री ने ऐसा कहा उसको हमने चुप करा दिया, और वो मुझे लग रहा है जितना ये कह रहे हैं इतना पार्टी इनको करने नहीं देगी। यहाँ पर शरद, आप लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं और ये आरोप अब लगातार आम आदमी पार्टी पर लगने लगे हैं कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी की लाइन लेने लगी है, क्या दलील यहाँ पर रहती है आम आदमी पार्टी की और आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो मैं कह ही रहा हूं और ये मानने वाली बात है, जो सब मानेंगे वो ये है कि इस समय देश में एक बहुसंख्यकवाद चल रहा है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने आप को बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ खड़े हुए
दिखाई देना चाहती हो, तो आम आदमी पार्टी भी उसमें कोई अलग नहीं है, कोई दूसरी पार्टी भी अपने आप को हिंदुओं के खिलाफ कम से कम खड़ी होती हुई नहीं दिखाई देना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ एक दिक्कत और है इस समय पर कि जिस चक्रव्यूह में आम आदमी पार्टी इस समय फंसी हुई है, जो बीजेपी ने बनाया हुआ है या कह लीजिए केंद्र सरकार ने बनाया है या एलजी ने बनाया है, जो जांच पे जांच चल रही है, एक मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ये तलवार लटकी हुई है, उसके बाद अब एक और मंत्री, तो ये जो है एक तरह के चक्रव्यूह में आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। आम आदमी पार्टी को लगता है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक ही तरीका है, वो ये है कि गुजरात में कुछ बड़ा करके दिखा दें, गुजरात विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा करके दिखा दें। तो ये जो अब समस्या हुई थी, इस समस्या से या इस घटना से आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत आसानी से एंटी हिंदू, हिंदू विरोधी होने के आरोप लग सकते थे, लगाए ही जा रहे थे, पोस्टर लगाए जा रहे थे, भले आप ये कह लीजिए कि वो बीजेपी भले ही पोस्टर लगा रही हो, लेकिन जब ये वीडियो घुमाया जाएगा और ये लगातार ये बात कही जाएगी, उसमें वो वीडियो दिखेगा कि वो मना कर रहे हैं कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता हूं, तो फिर ये जो है जो नुकसान होगा ये आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए ये सब जो हुआ है इसी कारण हुआ है। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। किस तरह से आम आदमी पार्टी में राजेंद्र पाल गौतम के बयान के बाद कहीं ना कहीं पार्टी बैकफुट पर आती हुई नजर आई, और उसके बाद गुजरात में जब अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं उन्हें विरोध झेलना पड़ता है, उनकी नाखुशी, उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर से सुनने को मिली, और आखिर में उस सबका नतीजा ये हुआ कि राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि वो पार्टी पर या अपने नेता पर आंच नहीं आने देंगे। शरद हमारे साथ बने हुए, शरद आखिरी टिप्पणी आपकी लेना चाहूंगी मैं। आईटी राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि कुछ भी सही गलत नहीं होता, जो भी होता है वो हालात और समीकरण के हिसाब से होता है। तो अभी के हालात जो थे वो यही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इसमें फंस सकती है या एंटी हिंदू होने का उस पर आरोप लग सकता है, धारणा ये बन सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी इस आरोप को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए जो राजेंद्र पाल गौतम हैं उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया और ये कहा है कि अपनी लड़ाई वो आगे भी जारी रखेंगे। शुक्रिया शरद, बहुत बहुत आपका। यूं तो हमारे देश में कई मुद्दे हैं जिन पर पार्टियों को आवाज उठानी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, जनता की आवाज को आगे पहुंचाना चाहिए, जनता को हिम्मत देनी चाहिए, लेकिन पार्टियां आपस में जिस तरह से लड़ती हैं और सब कुछ ये चुनाव के चलते चलता है, तो क्योंकि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और इसीलिए खींचतान जो है वो देखने को मिल रही है। किसी और मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हम लोग में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।